ये सही। छोटे एटिकेट्स हैं। अच्छा सर, ये बैगी आइस नीचे ये थैले क्यों बन जाते हैं? इसमें ये दो चीज़ें, फैट फैट की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, डर्मेटोकेलिसिस कहते हैं हम इसे अपने लैंग्वेज में, और इसमें फैट की ज़्यादा होता है उसमें ये बन जाती है बैगी आइज़। अच्छा, मैं तो लीन लीन लोगों में और भी एक देखे चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि किसी को यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें है, या किडनी प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड क्यों? यूरिक एसिड का तो नहीं, लेकिन किडनी प्रॉब्लम है किसी को, तो फिर उसमें भी लोगों को ये बन जाती है बैगी आइज़। अब हम जी डार्क सर्कल से बात करेंगे, एक कॉल है हमारे पास उसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? डॉक्टर दीपा बात कर रही हूँ। डॉक्टर दीपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बहुत दिनों बाद आई। हाँ बस मसरूफ थी थोड़ा सा। चलें ठीक, माफ़ किया। अच्छा डॉक्टर दीपा, हमारे पोल का जवाब दें। जी बिल्कुल दूंगी। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि खानदान में करें तो सब अच्छा होगा और बाहर करें तो सब बुरा होगा, या फिर इसके लिए मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप खुद पर्सनली क्या प्रेफर करेंगे? मैं खुद तो पर्सनली खानदान को प्रेफर करूंगी, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका सब कुछ देखा भाला होता है, होती है तो उसका आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, बाहर भी करना कोई बुरा नहीं है, अगर अच्छी फैमिली मिलती है तो आप बेशक बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन खानदानी लोग जो होते हैं ना वो हमेशा खानदान को ही प्रेफर करते हैं। ये इन्होंने बड़ी बात कह दी। खानदानी लोग खानदान को, खानदान के लोग, सबको पता है कि खानदानी लोग क्या होते हैं। और चले इस चीज से बहस नहीं करो, नहीं ये कहीं और ही जा रहा है, दूसरा भी खानदानी हो सकता है। समझ जो अच्छा समझते हैं खानदान में करना वो खानदान में ही करते हैं, यूँ समझ लें आप। ठीक है जी। अच्छा क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर जी? अच्छा मैं डॉक्टर साहब से दो तीन बातें पूछना चाहूंगी। एक तो ये कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बड़ी आंख जो होती है वो प्रॉब्लम कर सकती है, तो अभी उन्होंने मिलीमीटर्स में उनके बताया साइज, तो आम लोगों को तो मिलीमीटर्स में नहीं पता चलेगा अभी तक। बड़ी आंख प्रॉब्लम कर सकती है ऐसा कब? मैं सभी बताया था ना, छोटे बच्चों के हवाले से बताया कि छोटे बच्चों की आंख बड़ी है, छोटे बच्चों में भी मतलब वैसे फेस के हिसाब से अगर नॉर्मल लग रही है और बाद में वो मायोपिक हो जाती है या मतलब फार साइटेडनेस हो जाती है उसमें तो। और दूसरा ये कि एक तो साइज का कैसा पता चलेगा कि इस बच्चे के लिए ये नॉर्मल साइज है या ये बड़ी लग रही है? ठीक है, बड़ी आंख तो देखने से ही बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वो तो ठीक है अब नॉर्मल है ही, लेकिन अगर एक नॉर्मल आई में भी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी तक तो हम यही समझते थे कि बड़ी आंख खूबसूरत समझी जाती है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मायोपिक आई में एक्चुअल नंबर में और लेंस में कितना, लेंस के नंबर में कितना डिफरेंस होना चाहिए? और तीसरा ये कि जेंसिलिज्मा जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है स्किन में आई के अराउंड, तो इसका कोई ट्रीटमेंट है? अभी बात की, सर्जरी से रिमूव कर देते हैं उसको। अच्छा ठीक है जी, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपको भी बताते हैं सब, पहले तो आप उनका बता दें, दूसरी कॉल लेते हैं फिर हम बात करते हैं जिसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? सायरा। सायरा कहाँ से? पेशावर। पेशावर से जी। सायरा पोल का जवाब देंगी? मुझे पोल का पता नहीं, मैंने अभी 10 मिनट पहले टिकी। चले जी, डजंट रियली मैटर। पूछना क्या है? मेरा बेटा है 7 साल का, ठीक है, और उसको लेजी आई का प्रॉब्लम है। जब अच्छा। 4.5 साल का था तब पता चला था। अच्छा ठीक है। तो एक आंख का 2.5 था और एक आंख का 0.75। तो 2 साल तक उसको पैचिंग करते रहे हम। अभी जब वो 7 साल का हो गया तो उसके आई साइड तो काफी रिकवर हो गया, 1.5 हो गया, लेकिन अब डॉक्टर ने पैच लगाना बंद कर दिया। अच्छा तो okay. आप बताएं क्या उसकी आगे भी नजर रिकवर हो सकती है या इसकी बस यही 1.5 रहेगी और सारी उम्र ऐनक ही लगी रहेगी। चले हम इससे बात करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर पहले वो पूछ रही थी कि मायोपिया के, उस पर पूछ रही थी कि आई के लेंस में और उनमें क्या डिफरेंस का पूछ रही थी। एक चीज को पहले क्लियर करते थे, वो बड़ी आंखों के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी। देखिए बच्चों के फेस के लिहाज से अगर आई साइज ठीक है तो ठीक ही है, सबसे बट कुछ लोगों की आंखें एक्चुअली में बड़ी होती हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो पकड़ी जाती है तस्वीरों पे, जो आई का रिफ्लेक्स आता है ना उससे बहुत बीमारियां पकड़ी जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ी जाती हैं। मतलब कैसे? ये जैसे आपने तस्वीरें कभी खींची होंगी, एक रेड रिफ्लेक्स एक आता ना कि अरे आंख लाल नजर आ रही है, जो रेड आई डिडक्शन जिसके लिए करते हैं, वो रेड जो है वो अच्छी चीज़ है। अगर बच्चों में वो व्हाइट नजर आ गई उस तस्वीर में और कई बीमारियां तो पकड़ी देखिए जो पुतली के दरमियान जो रिफ्लेक्स जो रेड आना चाहिए। अच्छा। वो कुछ बच्चों में व्हाइट आ जाता है, ठीक है।
फिर ऐसी सूरत में पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बैठे हुए उनके पास फॉर्म भेज दे जाए, बिकॉज यूजली समथिंग बिग एंड समथिंग वेरी वेरी अर्जेंट इज़ हैपनिंग. ठीक है, तो ये तो एक चीज़ सबको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि तकरीबन मोबाइल फ़ोन की वजह से तकरीबन सबके पास कैमराज आ गए, सबके पास ये फीचर्स भी होते हैं रेड डिटेक्शन के, तो ये तो एक चीज़ है. देखिए जो बड़ी आँखें, अब बड़ी आँखों पे आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, बड़ी बड़ी आँखें जी जी, इसमें ये कि देखिए जब होता ये कि आप जो छोटे बच्चे को पेरेंट्स लेके आते हैं या आपने, अगर उसकी साइज़ आपको वाकई बड़ा लग रहा है कॉर्निया का साइज़, ठीक है, तो उसमें ये दो चीज़ें आ सकती हैं जो डॉक्टर साहब कह रही थी कि मायोपिया भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि काला पानी या ग्लूकोमा की वजह से हो, लेकिन ये कि ये देखने के लिए कि आइदर ये मायोपिया है या काला पानी है, तो हम उसके लिए फिर वो एग्जामिनेशन कर देते हैं एनेस्थीसिया में और वो चेक कर लेते हैं कॉर्नियल डायमीटर कितना है. अगर कॉर्नियल डायमीटर 13 मिलीमीटर है या 14 मिलीमीटर है तो वी कंफर्म कि ये ग्लूकोमा है. अच्छा. तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको आप छोड़ ना दें, मायोपिया समझ के उसको ज़रूर दिखा देना डॉक्टर को. ओके, अच्छा जी, दूसरा उनकी था कोई वो लेंस और उसके नंबर के बीच में डिफरेंस पूछ देगी कितना होना चाहिए, ये सवाल समझ में नहीं आया. हाँ, वो उन्होंने पूछा है कि जो ग्लासेस के नंबर हैं और कॉन्टेक्ट लेंस में क्या डिफरेंस है. उसमें ये है कि अगर -4 से अबव नंबर होता है तो उसमें 0.25 हर नंबर पे हम डिटेक्ट कर देते हैं. सपोज अगर -4 है तो हम पेशेंट को जो नंबर देंगे कॉन्टेक्ट लेंस का वो 3.75 देंगे. अच्छा, 5 होगा तो इसी तरह 0.25 और कम हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, इस तरह 6 पे और थोड़ा सा 5.25 हो जाएगा. इस तरीके से हम 0.25 हर नंबर के बाद डिक्रीज कर देते हैं. इसको देखिए, जब ग्लासेस को आप उतारें और दूर करें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है आपको. हाँ ठीक है, इसे जब करीब जा रही है तो ग्लासेस तो यहाँ होती हैं, लेंस और करीब होता है तो चाहे वो पावर कम करेंगे तो वो पावर को कम्पनसेट करती है. Okay. इसलिए कम करते हैं. और जो हमें दूसरी कॉल आई थी वो पूछी थी कि उनका बच्चा 7 साल का है और उसको लेजी आई का प्रॉब्लम था, तो अब वो कह रही हैं कि अब उन्होंने पैचिंग भी बंद कर दी है, तो थोड़ी सी तो इम्प्रूवमेंट है, बट वो शी इज़ वरिड कि क्या वो बच्चा उनका सारी उम्र ग्लासेस लगाएगा. देखिए, पैचिंग का ये होता है, इसको एम्ब्लायोपिया थेरेपी हम कहते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू, अगर 1 ईयर का है तो हम 1 वीक पैच करते हैं, 2 ईयर्स का है तो 2 वीक्स करते हैं, अगर ये 7 ईयर का है तो 7 वीक पैच करते हैं. ठीक है. अच्छा. अब अगर ये टाइम बियॉन्ड गुजर चुका है और इससे इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि मजीद कोई चांस हो, तो ग्लासेस जो हैं वही नंबर यूज़ करें फिर. ओके. अच्छा, कोई करेक्टिव आई सर्जरी नहीं हो सकती इस एज में? 7. हाँ, इट्स टू यंग. टू यंग. एक कॉलेज ही हमारे पास अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहे हैं जी? मैं बुशरा बात कर रही हूँ कराची से. बुशरा, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू. मुझे डॉक्टर साहब से कुछ पूछना था. मेरे 2 बेटियां हैं, एक की उम्र है 7 साल, एक ही है 6 साल. और 1.5 साल पहले ना मुझे स्कूल से इनकी कंप्लेंट आई थी कि इन दोनों की आई साइट जो है ना वीक है. ठीक है, एक की है तकरीबन, दोनों की ज्यादा है और दोनों का सिलेंड्रिकल नंबर है. ठीक है. अच्छा, उसमें एक तो ये है कि एक बड़े बेटे का मेरा नंबर बढ़ रहा है. ठीक है. और एट टाइम्स ना वो मुझे ये कंप्लेन करता है कि उसको चीजें जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, कि मैं ना बिल्कुल कुछ देख नहीं पा रहा. तो इसकी क्या रीजन है? मैं उसको बहुत दफा डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई रीजन है नहीं. लेकिन वो मुझे ये कहता है कि नहीं मामा, जब वो पढ़ रहा होता है कि नहीं मामा बिल्कुल फ्लैट हो गया, आई कांट सी एनीथिंग. इसकी क्या रीजन है? फ्लैट हो गया है बच्चे की, कोई साइकोलॉजी इस तरह की डेवलप हो गई है? मतलब मैं समझ नहीं सकती कि इसकी क्या रीजन है. फ्लैट हो गया? हाँ, कि फ्लैट हो गया मामा, बिल्कुल व्हाइट हो जाता है सब. अच्छा, सब व्हाइट हो जाता है? हाँ, कहते हैं मामा व्हाइट हो जाता है और मैं कुछ देख नहीं पा रहा. कितनी देर के लिए? अगर फ्यू सेकंड होता होगा, इससे ज्यादा ऐसा टाइम नहीं होता. अच्छा, और जो कभी रीड कर रहा होता है, बुक रीड कर रहा होता है, तब भी वो मुझे इस तरह की कंप्लेंट करता है. मतलब आई कांट अंडरस्टैंड कि क्या ये उसकी साइकोलॉजी डेवलप हो गई है या वाकई कोई प्रॉब्लम है. टीवी देखते हुए ऐसा कोई? बहुत से डॉक्टर्स को चेक करवा चुके. बुशरा, बुशरा, टीवी देखते हुए ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, टीवी देखते हुए कभी नहीं आती. वीडियो गेम खेलते हुए ऐसी प्रॉब्लम आती है? नहीं, कभी भी. कंप्यूटर पे आती है? हमें जब पढ़ते हुए आती है ये प्रॉब्लम. चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं. अच्छा, और इसमें मुझे ये भी बताएं कि ये एक तो इनका सिलेंड्रिकल नंबर है, उसमें ये कि अभी इसका बार बार इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए मैं इसको कोई चीज, कोई टॉनिक यूज करवाऊं या कोई इस तरह के मल्टीविटामिन या कोई चीज इसकी डाइट में ऐड करूं, उसके लिए भी मुझे थोड़ी सी सजेशन दें. ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अच्छा सर, इनकी क्वेश्चंस का आंसर हम एक ब्रेक के बाद दे रहे हैं. छोटा सा ब्रेक है, व्यूअर्स आप ही के सवाल आपका जवाब दे रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा.